दोस्तों, समय और अस्तित्व की हमारी समझ को चुनौती देने वाली एक अवधारणा के अन्वेषण में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य पहले ही हो चुका है? आज हम समय और ब्लॉक यूनिवर्स सिद्धांत के इस दिलचस्प विरोधाभास में तल्लीन होते हैं, जो सुझाव देता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ सह अस्तित्व में है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम समय के रहस्यों को उजागर करते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों, दार्शनिक बहसों और इस विचार के गहन प्रभावों की जांच करते हैं। आइए समय के इस रहस्यमय कपड़े के माध्यम से यात्रा करें, ताकि यह पता चल सके कि क्या हमारा भविष्य पहले से लिखा हुआ है या हम इसे आकार देने की शक्ति रखते हैं। समय हमारे ब्रह्मांड का एक मौलिक पहलू है। यह अतीत से वर्तमान और भविष्य की ओर एक निरंतर प्रगति है। ऐतिहासिक रूप से विभिन्न संस्कृतियों ने समय की अलग अलग धारणाएं रखी हैं। प्राचीन सभ्यताएं अक्सर समय को प्राकृतिक घटनाओं जैसे मौसम के साथ चक्रीय रूप में देखती थीं। उदाहरण के लिए, कई आदिवासी संस्कृतियां समय को दिन और रात या बदलते मौसम जैसी दोहराई जाने वाली चक्रों की श्रृंखला के रूप में देखती थीं। इस चक्रीय धारणा ने उनके अनुष्ठानों, कृषि पद्धतियों और विश्व दृष्टिकोण को प्रभावित किया। समय के साथ वैज्ञानिक क्रांति ने इस दृष्टिकोण को एक रैखिक और मापने योग्य अवधारणा में बदल दिया। सटीक समय निर्धारण उपकरणों और औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ समय प्रगति और दक्षता का पर्याय बन गया। घड़ियां और कैलेंडर मानव गतिविधियों को व्यवस्थित करने में केंद्रीय बन गए, जो समय की एक रैखिक आगे बढ़ने वाली धारणा को दर्शाते हैं। ये बदलाव आधुनिक समाज की समय की समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण था, जिसे कुछ ऐसा माना गया जो नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है। आधुनिक भौतिकी ने विशेष रूप से सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों के माध्यम से हमारे समय की समझ को और जटिल बना दिया है। ब्लॉक यूनिवर्स सिद्धांत एक आकर्षक अवधारणा है, जो प्रस्तावित करता है कि समय के सभी बिंदु एक साथ मौजूद हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण के विपरीत, जहां समय एक नदी की तरह बहता है, ब्लॉक यूनिवर्स सुझाव देता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी समान रूप से वास्तविक हैं। यह विचार हमारे रोजमर्रा के समय के अनुभव को चुनौती देता है कि कुछ एक पल से अगले पल तक चलता है। सिद्धांत की जड़ें अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत में हैं, जिसने स्पेस टाइम की अवधारणा को पेश किया। सापेक्षता के अनुसार समय एक अलग इकाई नहीं है, बल्कि तीन स्थानिक आयामों के साथ परस्पर जुड़ा हुआ है, जो चार आयामी स्पेस टाइम कंटिन्यूम बनाता है। सापेक्षता सिद्धांत ने यह दिखाते हुए हमारे समय की समझ में क्रांति ला दी कि यह निरपेक्ष नहीं है। इसके बजाय समय पर्यवेक्षक की गति और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों की ताकत के आधार पर भिन्न हो सकता है, जिसमें वे हैं। इस घटना को समय फैलाव के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, तेजी से चलने वाले अंतरिक्ष यान पर घड़ियां पृथ्वी पर की तुलना में अधिक धीरे धीरे टिकती हैं। इसी तरह बड़े पिंडों के करीब की घड़ियां जैसे ग्रह मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों के कारण धीमी गति से चलती हैं। ये अंतर्दृष्टियां ब्लॉक यूनिवर्स सिद्धांत की नींव बनाती हैं, जो सुझाव देती हैं कि सभी क्षण स्पेस टाइम कंटिन्यूम के भीतर स्थिर हैं। क्वांटम यांत्रिकी हमारे समय की समझ में एक और परत जोड़ता है। भौतिकी की यह शाखा सबसे छोटे पैमानों पर कणों के व्यवहार से संबंधित है, जहां शास्त्रीय भौतिकी के नियम हमेशा लागू नहीं होते हैं। क्वांटम यांत्रिकी जैसे सुपरपोजिशन की अवधारणाओं को पेश करता है, जहां कण कई राज्यों में एक साथ मौजूद हो सकते हैं, और उलझाव, जहां कण जुड़े हो जाते हैं और दूरी की परवाह किए बिना तुरंत एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये घटनाएं हमारे पारंपरिक कारण और समय की रैखिक प्रगति की धारणाओं को चुनौती देती हैं। दार्शनिक रूप से ब्लॉक यूनिवर्स सिद्धांत निर्धारणवाद और स्वतंत्र इच्छा के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। यदि भविष्य पहले से मौजूद है, जैसा कि सिद्धांत सुझाता है, तो विकल्प बनाने और परिणामों को प्रभावित करने की हमारी भावना पर सवाल उठता है। क्या हमारे कार्य पूर्व निर्धारित हैं, या हमारे पास अपनी नियति को आकार देने की स्वतंत्रता है? यह बहस मानव अनुभव के मौलिक पहलुओं को छूती है और सदियों से दार्शनिक और वैज्ञानिक चर्चाओं का एक केंद्रीय विषय रही है। अस्थायी विरोधाभास ब्लॉक यूनिवर्स सिद्धांत का एक और आकर्षक पहलू प्रस्तुत करते हैं। प्रसिद्ध ग्रैंडफादर विरोधाभास पर विचार करें, जो पूछता है कि क्या होगा
यदि आप समय में पीछे जाकर अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से रोक दें। ये विरोधाभास समय यात्रा की संगति और कारण और प्रभाव की हमारी समझ को चुनौती देता है। एक ब्लॉक यूनिवर्स में जहां सभी क्षण एक साथ मौजूद हैं, ऐसे विरोधाभासों को अलग तरह से हल किया जा सकता है, ये सुझाव देते हुए कि घटनाएं स्थिर हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। मानव समय की धारणा एक और परत जोड़ती है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के बावजूद यह सुझाव देते हुए कि समय एक भ्रम या स्थिर आयाम हो सकता है, हम समय को एक प्रवाह के रूप में अनुभव करते हैं। हमारी धारणा विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें उम्र, संस्कृति और मनोवैज्ञानिक स्थिति शामिल है। उदाहरण के लिए, जब हम आनंददायक गतिविधियों में लगे होते हैं तो समय तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होता है और ऊब या असुविधा की अवधि के दौरान खींचता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि हमारी समय की धारणा मानसिक स्थिति के आधार पर काफी भिन्न हो सकती है, जैसे तनाव में होने पर या तीव्र ध्यान के क्षणों के दौरान। संस्कृति में समय की दृष्टि भी काफी भिन्न होती है। कई पश्चिमी समाजों में समय को रैखिक रूप से देखा जाता है, प्रगति और आगे बढ़ने पर जोर दिया जाता है। यह दृष्टिकोण दैनिक कार्यक्रमों से लेकर दीर्घकालिक योजना तक सब कुछ प्रभावित करता है, जो समयबद्धता, समय सीमाओं और भविष्य उन्मुख लक्ष्यों को महत्व देने वाली संस्कृति को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत, कई पूर्वी दर्शन समय को चक्रीय रूप में देखते हैं, पुनरावृत्ति और नवीनीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में समय की अवधारणा जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों से निकटता से जुड़ी हुई है, जो अस्तित्व का एक अधिक समग्र और परस्पर जुड़ा हुआ दृष्टिकोण दर्शाती है। ये भिन्न दृष्टिकोण जीवन के विभिन्न पहलुओं से समाजों के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं, काम और संबंधों से लेकर आध्यात्मिक प्रथाओं और विश्व दृष्टिकोण तक। भविष्य की भविष्यवाणी करना एक महत्वपूर्ण रुचि का क्षेत्र है, जिसमें घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की हमारी क्षमता में सुधार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति है। उदाहरण के लिए, मौसम विज्ञान ने मौसम के पैटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए परिष्कृत मॉडल विकसित किए हैं, जबकि अर्थशास्त्री बाजार रुझानों का पूर्व अनुमान लगाने के लिए जटिल एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। हालांकि इन प्रगति के बावजूद जटिल प्रणालियों की अंतर्निहित अनिश्चितता का मतलब है कि पूर्ण भविष्यवाणी हमारी पहुंच से परे बनी हुई है। यह अनिश्चितता एक भविष्य की भविष्यवाणी करने के विरोधाभास को रेखांकित करती है, जो ब्लॉक यूनिवर्स सिद्धांत के अनुसार पहले से मौजूद हो सकती है। तकनीकी नवाचार हमारे भविष्य की समझ को लगातार नया आकार दे रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हो रही है। नई संभावनाओं और नैतिक दुविधाओं की शुरुआत हो रही है। उदाहरण के लिए, AI प्रगति उच्च सटीकता के साथ मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करने वाली मशीनों को जन्म दे सकती है, जिससे गोपनीयता और स्वायत्तता के बारे में प्रश्न उठ सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति हमें हमारी जैविक घड़ियों को बदलने की अनुमति दे सकती है, जिससे मानव जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है और उम्र बढ़ने की हमारी धारणा बदल सकती है। ये प्रगति इस सवाल को उठाती है कि क्या हमारी बढ़ती हुई जानकारी और क्षमताएं भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं, और क्या हम इन परिवर्तनों को नियंत्रित या पूर्वानुमानित कर सकते हैं। समय के बारे में वैकल्पिक सिद्धांत इन मुद्दों पर अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। उदाहरण के लिए, मल्टीवर्स थ्योरी कई समानांतर ब्रह्मांडों के अस्तित्व का सुझाव देती है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी समय रेखा होती है। यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि हर घटना के हर संभावित परिणाम किसी न किसी ब्रह्मांड में मौजूद होते हैं, जो वास्तविकताओं का एक विशाल और जटिल वेब बनाते हैं। यदि सही है, तो मल्टीवर्स थ्योरी का मतलब होगा कि हमारे विकल्प वास्तविकता की नई शाखाएं बनाते हैं, जो ग्रैंडफादर विरोधाभास जैसे विरोधाभासों के लिए एक संभावित समाधान पेश करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी एक और उन्नत सैद्धांतिक ढांचा, परिचित तीन स्थानिक आयामों और समय से परे अतिरिक्त आयामों का प्रस्ताव करती है। ये अतिरिक्त आयाम ब्रह्मांड की प्रकृति और समय की संरचना में नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के जटिल गणितीय मॉडल से पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड कई में से एक हो सकता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और समय रेखाएं हैं। कुछ भौतिकविदों का प्रस्ताव है कि समय वास्तव में बहता है, जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव के साथ अधिक निकटता से मेल खाता है। यह दृष्टिकोण बताता है कि हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य की हमारी धारणा एक वास्तविक प्रगति को दर्शाती है।
भले ही यह सापेक्षता द्वारा वर्णित समय की सापेक्ष प्रकृति से प्रभावित हो। यह दृष्टिकोण बनाए रखता है कि जबकि ब्लॉक यूनिवर्स सिद्धांत आकर्षक है, यह समय की गतिशील प्रकृति को पूरी तरह से नहीं पकड़ सकता है, जैसा कि हम अनुभव करते हैं। एक बहते समय और एक ब्लॉक यूनिवर्स के बीच की बहस शोध का एक जीवंत क्षेत्र बनी हुई है, जिसका हमारे चेतना और वास्तविकता की समझ पर प्रभाव पड़ता है। समय पर ऐतिहासिक वैज्ञानिक बहसें हमारे अन्वेषण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, प्रारंभिक खगोलविदों जैसे कोपरनिकस और गैलीलियो ने समय और स्थान के प्रचलित धारणाओं को चुनौती दी। खगोलीय पिंडों की गति के बारे में उनके अवलोकनों और सिद्धांतों ने हमारे ब्रह्मांड की समझ में क्रांति ला दी और आधुनिक भौतिकी के लिए नींव रखी। कोपरनिकस का सौरमंडल के केंद्र में सूर्य रखने वाला सूर्य केंद्रित मॉडल ने लंबे समय से चली आ रही भू केंद्रित दृष्टिकोण को खंडित कर दिया और समय और स्थान की हमारी धारणा को नया रूप दिया। गैलीलियो ने दूरबीन का उपयोग करके खगोलीय घटनाओं का अवलोकन किया और कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन करने वाले अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान किए और ब्रह्मांड की स्थापित समझ को और चुनौती दी। थी गहन साक्षात्कार विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। समकालीन विचारकों की अंतर्दृष्टि को शामिल करना वर्तमान बहसों की एक समृद्ध समझ प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, कार्लो रोवेली और ली स्मोलिन जैसे भौतिकविदों ने पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती देने वाले समय के वैकल्पिक मॉडलों का प्रस्ताव किया है। रोवेली की लूप क्वांटम ग्रेविटी की अवधारणा बताती है कि समय अधिक मौलिक प्रक्रियाओं से उभर सकता है, जबकि स्मोलिन एक गतिशील ब्रह्मांड की वकालत करते हैं जहां समय वास्तविक और मौलिक है। जूलियन बार्बर जैसे दार्शनिकों ने एक समयहीन ब्रह्मांड के विचार का अन्वेषण किया है, जहां परिवर्तन मौलिक है लेकिन समय स्वयं एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मौजूद नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकी प्रगति हमारे समय की समझ को प्रभावित कर सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसमें क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में जटिल समस्याओं को बहुत तेजी से हल करने की क्षमता है, हमारे अस्थायी घटनाओं को अनुकरण और समझने की क्षमता में क्रांति ला सकती है। ये सिमुलेशन इस बात की नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं कि समय मौलिक स्तरों पर कैसे काम करता है। संभावित रूप से क्वांटम यांत्रिकी और सापेक्षता के बीच की खाई को पाट सकते हैं। समय की धारणा में सांस्कृतिक अंतरों का आगे अन्वेषण, जिसमें आदिवासी दृष्टिकोण शामिल हैं, हमारी समझ को समृद्ध कर सकता है। आदिवासी संस्कृतियों में समय की प्रकृति के बारे में अक्सर अद्वितीय और गहन अंतर्दृष्टि होती है, जो प्राकृतिक चक्रों के साथ सामंजस्य पर जोर देती है। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिका के होपी लोग एक निरंतर वर्तमान में अतीत और भविष्य की घटनाओं को एकीकृत करने वाले समय की एक धारणा रखते हैं, जो पश्चिमी रैखिक समय के साथ तीव्रता से विपरीत एक समग्र अस्तित्व का दृष्टिकोण दर्शाती है। ये दृष्टिकोण इस बारे में मूल्यवान सबक प्रदान कर सकते हैं कि हम समय और प्राकृतिक दुनिया के साथ कैसे संबंधित हैं। साहित्य और कला ने भी समय की अवधारणा को संबोधित किया है, जो एक समृद्ध सांस्कृतिक संदर्भ प्रदान करते हैं। दी टाइम मशीन लिखने वाले H.G. Wells जैसे लेखकों के कार्य समय की नमनीयता और धारणा का अन्वेषण करते हैं। द टाइम मशीन में वेल्स ने समय यात्रा और चौथे आयाम का विचार पेश किया, जो तब से विज्ञान कथा में एक मुख्य आधार बन गया है। इंसेप्शन जैसी फिल्में समय के व्यक्तिपरक अनुभव में गहराई से उतरती हैं, यह पता लगाती हैं कि सपने और चेतना हमारे अस्थाई प्रगति की धारणा को कैसे बदल सकते हैं। ये सांस्कृतिक कलाकृतियां अस्थाई घटनाओं की हमारी सामूहिक समझ को प्रतिबिंबित और आकार देती हैं। ये चित्रण करती हैं कि समय को समझने की हमारी खोज में कला और विज्ञान कैसे मिलते हैं। निष्कर्ष में, समय की अवधारणा समृद्ध और बहुआयामी है, जिसमें वैज्ञानिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक आयाम शामिल हैं। ब्लॉक यूनिवर्स सिद्धांत हमारी समय की पारंपरिक समझ के लिए एक उत्तेजक चुनौती पेश करता है। यह सुझाव देता है कि भविष्य पहले से ही लिखा हुआ है, चाहे हम इस विचार को पूरी तरह से अपनाएं या नहीं। यह हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। समय के रहस्यों की यात्रा से पता चलता है कि अस्तित्व के इस मौलिक पहलू को समझने की हमारी खोज अभी समाप्त नहीं हुई है। ऐतिहासिक बहसों की जांच करके, विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को शामिल करके और तकनीकी प्रगति का लाभ उठाकर
हम समय के रहस्य की लगातार अधिक गहन तरीकों से खोज करना जारी रख सकते हैं। समय की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।